राज्य सरकार ना 5 वर्ष पूर्ण कराता समग्र गुजरात में विविध कार्यक्रमों करवामा आवी रह्या छे। सरकार महिलाओं की सुरक्षा करवामा सदंतर निष्फळ निवड़ी होवाना आक्षेप साथे भरूच जाडेश्वर चौकड़ी नजीक कांग्रेस ना महिला मोर्चा और कांग्रेस ना आगेवानोए उग्र विरोध नोंधाव्यो हतो। भरूच जिल्लामां छेल्ला 1.5 वर्षथी कोरोना काळ वच्चे पण गरीबी अने मध्यम वर्गना लोकोनी हालत दयनीय बनी हती अने हजु कोरोना काळ चाली रह्यो छे त्यारे सरकार द्वारा राज्य सरकारना 5 वर्ष पूर्ण करवा बदल समग्र गुजरातमां विविध कार्यक्रमो योजवामां आवी रह्या छे, जेनी सामे गुजरातभरमां कोंग्रेसीओ पण मैदानमां उतरी विरोध नोंधावी रह्या छे। त्यारे भरूचनी जाडेश्वर चौकड़ी नजीक आजना दिवसे सरकार द्वारा महिला दिवसनी उजवणीना भागरूपे उजवणी करी रही होय, जेनी सामे समग्र गुजरातमां महिलाओनी सुरक्षा करवामां सरकार सदंतर निष्फळ निवड्या होवानो आक्षेप साथे कांग्रेसीओ मैदानमां उतरी उग्र विरोध नोंधावी रह्या छे। भरूचना जाडेश्वर चौकड़ी नजीक सरकारना महिला दिन उजवणीना विरोधमां भरूच जिल्ला कांग्रेस महिला मोर्चा तथा कांग्रेसी कार्यकरो अने होद्देदारोए सवारथी ज विरोधनो सूर उठाव्यो हतो। निष्फळताओनी उजाणी शरम करो रूपाणी, महिलाओनी सुरक्षा करोना सूत्रोच्चार साथे महिला कांग्रेसीओ अने कार्यकरो होद्देदारोए उग्र विरोध नोंधाव्यो हतो, जेना पगले पोलीसे पण कांग्रेसीओनी टींगाटोड़ी करी पोलीस मथके लई जवानी फरज पड़ी हती। आ कार्यक्रम में भरूच जिला कांग्रेस समितिना प्रमुख परिमलसिंह रणा, महिला प्रमुख ज्योतिबेन तड़वी, मानसिंह डोड़िया, नगरपालिका विरोध पक्षना नेता शमशाद अली सैयद, संदीप मांगरोला वगैरह उपस्थित रहा हता। हाल में तमे जोई रहा छो के मोदीजी ना राज में बेटियों अने स्त्रीओ सुरक्षित छे? बिल्कुल नहीं। भाजप सरकार बेटी बचावना नारा आपी रहा छे त्यारे छेड़तीना अने रेपना केसो एटला बधा बेफाम वधी रह्या छे त्यारे बेटियोने न्याय ना मळे एना माटे ए लोको सत्तावाळाओ एमने बचावे छे अने पोलीस खातु पण एमने बचावे छे। त्यारे मारे कहेवुं छे के नड़िया काल तमे शुं भूली गया छो के याद कराई दो हमना बे दिवस पर भाजपना एक नेता ने बराबर नो मेथी पाक आपवामां आव्यो हतो त्यारे कांग्रेस नी सरकार ज लेडीसो ने सुरक्षा आपे छे ने लेडीसो नो सन्मान करी रही छे त्यारे बहनो ने छेत्री ने सत्ताना सिंहासन पर जे साहेब बेसी गया छे ते चौकीदार ने आपणे घेर मोकलवानो टाइम आवी गयो छे, एटले बधी बहनो एक थईने आ सरकार चाली नहीं सके लेडीसो माटे आ सरकार बिल्कुल ए बेकार गई छे माटे तो वेली तके मोदी साहेब ने एमने आपणे एमना घरे मोकलवाना छे। जय हिंद। झूठे प्रचार करने वाली सरकार आज गुजरात में सत्ता में बैठे हैं और देश में आप लोग देखे होंगे प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट के अंदर बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन के लिए हिंदुस्तान में किसकी जान नहीं गया, लेकिन ऐसा कोई टीवी और अखबार नहीं था हिंदुस्तान में जो कोरोना महामारी में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे उसका चित्र नहीं दिखाया। जब हिंदुस्तान के लोग इस कठिन कोरोना महामारी के समय में लड़ रहे थे कोरोना महामारी के साथ, लेकिन गुजरात में और देश में सरकार इसको उत्सव के रूप में मना रहे हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन में उत्सव मना रहे हैं, यहाँ गुजरात में सरकार की सफलता को दिखाने के लिए कौन सा सफलता है जब बेरोजगारी शीर्ष में है, जब खेडूत परेशान है, जब महंगाई शीर्ष स्थान पर है, पेट्रोल डीजल की दर देखो, गैस की दर देखो, हर वर्ग जब हिंदुस्तान में और गुजरात में परेशान है तब सरकार सफलता अपने सफलता की उत्सव मना रहे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ में कांग्रेस की कार्यकर्ता जनता को उजागर करने के लिए आज सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। आप जहां भी देखो गुजरात की कोई प्रांत में आज सभी जगह में हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे कार्यकर्तागण जनता के अधिकार के लिए लड़ेंगे। कोरोना महामारी के समय में जो मिसमैनेजमेंट हुआ कोविड मिसमैनेजमेंट उसको भी लोगों के सामने रखेंगे। हॉस्पिटल में बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था, दवाई नहीं था, फिर भी सरकार बोल रहे हैं कि हमने कोरोना सफलता के साथ देश में और गुजरात में सफलता के साथ हैंडल किए। ये कोविड मिसमैनेजमेंट और देश की जो आर्थिक हालात है
जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो अधिकार छीनने की प्रयास हो रहा है और महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अन्याय, आदिवासी की अधिकार छीनने की प्रयास, इसकी कड़ी जवाब जनता देंगे और इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी गांव-गांव में लेके जाएगी।